नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। जियो एयरटेल का विशेष प्लान, प्रीपेड प्लान के साथ डिज्नी हॉटस्टार को भी किया पेश। और रुपया में 4 पैसे की बढ़त, बढ़त के साथ $83.21 पर। एयर इंडिया ने विमान देखभाल के उद्देश्य से लगभग 10 लाख कलपुर्जे रखने के लिए दिल्ली में एक विशाल भंडारण इकाई शुरू की है। कंपनी ने कहा कि दिल्ली हाईवे अड्डे के टर्मिनल 3 के पास परिसर के पास लगभग 54,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली केंद्रीकृत भंडारण इकाई से दिल्ली में उड़ानों के संचालन समय में सुधार आएगा। हार्डवेयर से लेकर एवियोनिक्स, हाइड्रोलिक्स, संरचनात्मक और यांत्रिक घटकों तक विमान के कलपुर्जों, उपकरणों और अन्य उपकरणों का भंडारण एक ही स्थान पर हो सकेगा। शुक्रवार को अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे चढ़कर $83.21 प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक समीक्षा बैठक के बाद नीतिगत दर रेपो को लगातार चौथी बार यथावत रखने का फैसला किया, जिससे रुपए को मजबूती मिली है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डॉलर के ऊंचे स्तर के बीच विदेशी निवेशकों के बिकवाली दबाव ने स्थानीय मुद्रा की बढ़त को सीमित कर दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 83.21 के भाव पर खुला। कारोबार के दौरान यह 83.28 से 83.18 प्रति डॉलर के दायरे में रहने के बाद अंत में 83.21 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स दिवाली से पहले देश में 33 नई दुकानें खोलेगा। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि वह देश भर में कल्याण दुकानें और कैंडियर ऑनलाइन मंच का अनावरण करेगी। कल्याण ज्वेलर्स ने चालू वित्त वर्ष के सितंबर तिमाही में गैर दक्षिण भारतीय बाजारों में 13 दुकानें खोली थी। इसके अलावा कंपनी ने दक्षिणी क्षेत्र में प्रायोगिक रूप से फ्रेंचाइजी दुकानों के रूप में पहली खेप खोलने के लिए 6 आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए थे। कंपनी ने कहा कि हमें इन दुकानों के चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में शुरू होने की उम्मीद है। RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि PM विश्वकर्मा को भुगतान अवसंरचना विकास कोष PIDF योजना के तहत शामिल करने का निर्णय किया गया है। इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में की गई थी। योजना का मकसद छोटे व कम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में बिक्री केंद्र, QR कोड जैसे भुगतान स्वीकार करने वाले बुनियादी ढांचे की पहुंच स्थापित करना है। विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होते ही रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने क्रिकेट प्रशंसकों के लिए नया प्लान पेश किया है। रिलायंस जियो ने कई प्रीपेड प्लान के साथ डिज्नी हॉटस्टार को भी पेश किया है, जिस पर दर्शक विश्व कप मैच देख सकेंगे। भारतीय एयरटेल ने 2 प्लान शुरू किए हैं, जिनमें 99 रुपए में 2 दिन के लिए असीमित डाटा है। वहीं 49 रुपए में 1 दिन के समय सीमा के साथ 6 GB का डाटा मिलेगा। जियो ने मासिक, त्रिमासिक और वार्षिक प्लान पेश किए हैं, जिनमें डाटा, असीमित वॉइस कॉल के साथ साथ डिज्नी हॉटस्टार मोबाइल के प्लान को शामिल किया गया है। जियो का मूल प्लान 328 रुपए का है, जिसमें 28 दिन तक 1.5 GB डाटा और डिज्नी हॉटस्टार मोबाइल सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। जियो एयरटेल का विशेष प्लान, प्रीपेड प्लान के साथ डिज्नी हॉटस्टार को भी किया पेश। और रुपया में 4 पैसे की बढ़त, बढ़त के साथ $83.21 पर। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NBCN न्यूज़। नमस्कार।